दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th जो कोविड 19 चल रहा है उसके तहत में जो लॉकडाउन में अजमेर में जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के प्रवासी अगर जो रहे तो उन लोगों को जो वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत में उन्होंने ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया उसके बाद भी नगर निगम ने यहाँ कैंप लगाया है ताकि वो यहाँ के रजिस्ट्रेशन करा दें उनकी लिस्ट फाइनल हो जाए और 17 और 18 तारीख को यूपी के लिए दो ट्रेन जाएगी जिसमें करीब करीब 1400 से 1500 एक एक ट्रेन में ये लोग जाएंगे पूरे अजमेर ज़िले से जा रहे हैं। अजमेर को लगभग 800 या 1000 आदमियों की दोनों रेलों में स्थान मिलेगा। इसके लिए हमने इनका पूरा यहाँ इसका लिस्टिंग किया है। इस लिस्टिंग में हमने इनके आधार कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर लिए हैं पूरा यहाँ हमारे एक्सेल में लिस्ट हो रहा है। इसके बाद में जो ज़िले 17 तारीख को जाएंगे उनका अलग कर दिया जाएगा उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। उन्हें कल यहीं से 2 बजे का शायद ट्रेन है जो हमें समय प्राप्त हो रहा है तो हम यहीं उनको सुबह 10 बजे उनको सबको यहाँ बुला के उनका स्क्रीनिंग कराते हुए यहाँ से उनको बस के द्वारा रेलवे स्टेशन भेजेंगे और बाकी बचे हुए जो 1500 झांसी वगैरह जो ज़िले हैं वो 18 को जाएगी तो उस दिन भेजेंगे। तो इसका हम डिवाइडेशन करके अब लगभग हमने देखा है कि सुबह काफ़ी अच्छा तादाद में लोग थे लगभग हमारे 650 का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाकी अब स्टाफ हमने 20 आदमी लगा करके यहाँ काम किया था ताकि किसी को ज़्यादा भीड़ ना हो और जल्दबाजी गर्मी में परेशान ना हो। लेकिन अब हम 4 आदमी यहाँ बैठा करके बाकी ऑफिस में जाके वर्किंग करेंगे और 5 बजे तक जो भी आएगा उस सबका रजिस्ट्रेशन होगा। तकरीबन कितने का हो चुका है? 650 का हो चुका है अभी तक आज का हो चुका है 650 का। छोड़ मारूंगा।